श्री शिवाय नमस्तभ्यम। हाय माय A3 स्वैग फैमिली, आज मैं आपको ये ना अपने हिंदू टेंपल का जो लुइविल में है उसके दर्शन करा रही हूँ। यहाँ पे आज रुद्राभिषेक था भोले बाबा का और बहुत प्यार से पंडित जी ने बहुत सारे मंत्र उच्चारण के साथ में उनका अभिषेक कराया है सभी लोगों से। दोस्तों मैं ना आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि हम लोगों को ना बड़ा डर रहता है कि हम US में चले जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, बच्चे अपने संस्कार भूल जाएंगे, पता नहीं वो शायद अपने बड़ों की इज्जत करें ना करें, अपनी फैमिलीज़ को वैल्यू दें ना दें। बट बिलीव मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक्चुअली आप अच्छी चीज़ लेना चाहते हो, आपको बहुत कुछ अच्छा मिलेगा यहाँ पे, और अगर आप अच्छी चीज़ ना लेके बुरी चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहते हो तो वो भी यहाँ बहुत कुछ है। तो इट डिपेंड्स व्हाट यू वांट टू टेक। US इज और एनी वेयर, एवरी प्लेस इज सो ब्यूटिफुल, इट्स जस्ट डिपेंड व्हाट यू आर टेकिंग एंड दैट इज़ ओनली द रिफ्लेक्शन विच यू आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी। ये देखिए कितना प्यारा भोले बाबा का श्रृंगार किया है और कितने सारे लोग हैं यहाँ पे जो कि शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हैं और ये जो पूजा हो रही है उसको बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं। इतनी सारी गैदरिंग थी हिंदू टेंपल में आज कि मन ना एकदम खुश हो गया था सब कुछ देख के। और ये सौभाग्य हमें अगर US में रह के भी मिल रहा है जो हमें इंडिया में चाहिए था, या हम लोग सोचते हैं कि अरे यार हम लोग US चले गए तो शायद ये सावन के सोमवार मिस हो जाएंगे, या फिर हम शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ा पाएंगे, या फिर हम रुद्राभिषेक नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप एक वैसी ही प्यारी ज़िंदगी जी सकते हो जैसे आप इंडिया में जीते हो, पर डिपेंड करता है कि आपकी संगत क्या है, आप किन लोगों के बीच में उठ बैठ रहे हो, क्या आप मंदिर का एक वीक में एक बार का शेड्यूल बना रखा है आपने कि नहीं बना रखा है। क्योंकि इट डिपेंड्स, लाइक यू वांट टू डू बूजिंग पार्टी आउटसाइड एंड यू नो हैव फन विद योर फ्रेंड्स, और यू वॉन्ट टू हैव व्हाट यू कॉल दैट भजन कीर्तन, और मे बी अपने बच्चों को आप अच्छे संस्कार देना चाहते हो, तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पे भरपूर है, भरपूर मात्रा में है। तो मुझे लगता है आज के लिए मेरा ज्ञान बहुत हो गया है दोस्तों, बस अब आप भजन और ये चीज़ इंजॉय कीजिए और देखिए कितने प्यार से है। बट मैं फिर से वापस आऊँगी और मैं ज़रूर बताऊँगी कि US में रहना भी बहुत अच्छा है, या फिर आप परदेश में रहते हो बट अपने संस्कार, अपनी जड़ों, अपने रूट्स को नहीं भूलते हो ना, तो हर जगह उतनी ही प्यारी है जितना कि अपना भारतवर्ष। ये देख रहे हो आप, इतनी छोटी सी गुड़िया है, ये भी जल चढ़ा रही है। अब इसके माँ और मामा और पापा अगर इसको यहाँ ना लेके आए और लेट से प्ले कराने के लिए पार्क में लेके जाएं, तो क्या इसको पता होगा कि ऐसी शिवलिंग पे भी जल चढ़ाते हैं? मुझे नहीं लगता कि कुछ भी चीज़ यहाँ पे इम्पॉसिबल है। ये देखिए अपने बेटे के साथ में ये अपना अच्छे से जल चढ़ा रहे हैं और कितना अच्छा यहाँ पे इन्होंने सुविधा दी हुई है कि आप आराम से जल चढ़ाइए, भोले बाबा को दूध चढ़ाइए। और देख रहे हैं आप कितनी ज़्यादा रौनक है यहाँ पे, भोले बाबा के पूरे भजन चल रहे थे, शिव स्त्रोत चल रहा था और सब लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। स्पेशली मेरे बेटियों ने भी यहाँ बहुत इन्जॉय किया एंड वी हैड अ गुड टाइम इन हिंदू टेम्पल विद सावन के सोमवार।